इसमें कोई दो राय नहीं है कि बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान की फिल्म रिलीज होते ही 100 करोड़ क्लब में शामिल हो जाती है। इनफैक्ट फोर्ब्स के अनुसार किंग खान आज दुनिया के सबसे रिचेस्ट सेलिब्रिटीज में से एक गिने जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि जो सुपरस्टार आज दुनिया के सबसे हाईएस्ट पेड एक्टर हैं, उन्हें एक समय में करनी पड़ी थी दिल्ली के एक थिएटर में एक टिकट सेलर की नौकरी। जी हाँ, जितनी आसानी से आज वो करोड़ों रुपए की कमाई कर लेते हैं, उतनी ही मशक्कत झेलने के बाद उन्हें पहली कमाई के रूप में मिली थी सिर्फ 50 रुपए की सैलरी। और जानते हैं कि उन्होंने अपनी इस पहली सैलरी का क्या किया? अपनी पहली सैलरी के मिलते ही शाहरुख ने फैसला किया कि वो अपने एक अधूरे सपने को पूरा करेंगे। वो अधूरा सपना था दुनिया का सबसे बड़ा अजूबा ताजमहल देखने का। शाहरुख ने तुरंत खरीदा आगरा जाने के लिए ट्रेन का टिकट, जहां पहुंचकर उन्होंने संगमरमर से बने इस खूबसूरत इमारत को अपने सामने पाकर अपने सपने को हकीकत में बदलते हुए देखा। तो बॉलीवुड ट्रिविया के इस एपिसोड में कैसा लगा आपको जानकर शाहरुख खान की फर्स्ट सैलरी एक्सपेंस? पोस्ट करें हमें अपने व्यूज और इस वीडियो को लाइक करना ना भूले, और देखते रहें बॉलीवुड नाउ।